एंड आई थिंक जो ये फिल्म का जो टॉपिक है स्वच्छ भारत, इट्स अमेजिंग. एंड इसीलिए जब मुझे एक छोटा सा पार्ट करने का मौका मिला फिल्म में, तो मुझे ऐसा लगा आई हैव टू, बिकॉज देर आर सर्टन फिल्म्स जहाँ पे आप लीड हो, आप कितने इंपॉर्टेंट हो और फिल्म में मेरा कितना लेंथ है, दैट डजेंट मैटर. वॉट मैटर्स इज दैट यू आर पार्ट ऑफ अ फिल्म. लाइक टुडे जब वेन यू सी बाहुबली, यू फील ओ आई विश आई वॉज अ पार्ट ऑफ इट. मैं एक एलिफेंट भी होती तो चलता. यू नो देर आर सर्टन फिल्म्स इन लाइफ दैट यू वॉन्ट टू बी अ पार्ट of that film in any which ways. So when I was offered this, I was like, oh, it's amazing. Any which way, special cameo karna tha. Bahut actresses log aati hai, you know, in lot of films, and they give a jhalak and they go, you know, when you see the dances and all, they'll just come and do a small cameo. I said, it doesn't matter. It's there to date. And Bollywood is not that type ki aapko immediately stereotype kar dega ki nahi ab acha cameo ye. They understand you're an actor, your film is just released, you've done a cameo because the project is good, the film is good. And obviously I am a fan of Neeraj Pandey films and I love all his films. And obviously Akshay Kumar sir is also a part of the film, and he has been a part of everybody's life since we were growing up, you know. I used to see all his Khiladi films and all his comedy films. I still remember this one film which I love till now, it's called Mr. and Mrs. Khiladi. I can see that every day, you know, that was one of my most favorite film when I was young. तो जब आपको मौका मिलता है इतने बड़े मेकर्स और इतने बेहतरीन मेकर्स के साथ काम करने, और एक्टर्स जो ओवरऑल इनका, यू नो, ओवरऑल द गैंग ऑफ नीरज पांडे फिल्म, सो यू वर लाइक व्हाई नॉट. ऑब्वियसली यू आई ऑल्सो वॉन्ट टू डू अ फिल्म विच इज़ लिटिल मोर सीरियस एंड, यू नो, मुझे भी डिफरेंट टाइप की सब्जेक्ट करना है. सो एक एज एन एक्टर, आई थिंक एनी एक्टर वुड थिंक कि इट्स गुड टू गेट एसोसिएटेड विद देम. जब आप अपना काम दिखाओगे तब लोगों को पता चलेगा कि यू नो वॉट कैलिबर यू हैव और वॉट ऑल लुक्स यू कैन फिट इन, बिकॉज जनरली पीपल जस्ट जनरल you in, you know, glamour look and sexy look and more modern look. People would never think of me of a traditional girl. And I always wanted to do Neeraj Pandey films from very beginning, from the time I've seen all his films, Special 26 ho ya bahut purani, ab jo bhi film le lo, lately jo bhi le lo, biopics le lo, uske andar specially jo unki ladkiyon ka character hota hai, it's very Indian, very simple. So I was like, why not take this chance and, you know, be a part of this film. And at least ek to jo director ke sath aapko kaam karne ki khwahish hai, aap unke sath bhi, you know, us production mein, of course he's not directing this, but aap unke production mein bhi kaam kar lete ho. And secondly, he sees that look in you which he generally likes in girls, and I think that was an opportunity for me. And more than that, I was like कि ये फिल्म ही इतने अच्छे सब्जेक्ट पे बन रही है, विच इज़ स्वच्छ भारत. एंड आईव ऑलवेज बीन सपोर्टिंग स्वच्छ भारत फ्रॉम माई चाइल्ड हुड. आई वॉज नेवर अ चाइल्ड हु यूज टू लिटर योर एंड देयर. बचपन से ही मैं वैसी थी. आई थिंक हमारा घर का अपब्रिंगिंग ही इज़ लाइक दैट, यू नो, वेयर वेन यू यंग, यू स्मॉल, योर मॉम इज़ लाइक थ्रो एवरीथिंग इन द डस्टबिन, थ्रो दिस, थ्रो दैट. आई नेवर यूज टू, नहीं, ऑब्वियसली सी यूर अ विलेज गर्ल, बट ऑब्वियसली यूर अ प्रिटी लुकिंग गर्ल, यू नो. आई एम नॉट प्लेइंग अ बेगर इन द फिल्म, आई एम गोइंग टू बी लुकिंग प्रिटी इन द फिल्म. इफ आई एम गोइंग टू वेयर सलवार कमीज, दैट डजंट मीन आई एम गोइंग स्टार्ट लुकिंग अगली. इन फैक्ट गर्ल्स लुक, आई फील प्रिटियर इन इंडियन वेयर, यू नो. आप सलवार सूट पहनते हो, साड़ी पहनते हो, मुझे लगता है आप ज़्यादा सुंदर दिखते हो, जो फैक्ट है. हाँ, सो इट्स ट्रेडिशनल, यू कैन, नो वेस्टर्न आउटफिट कैन टेक ओवर एनी ट्रेडिशनल लुक. सो आई थिंक ट्रेडिशनल ऑलवेज मेक्स यू लुक प्रिटी, बट दिस इज लाइक लिटिल मोर, ऐसा भी नहीं ट्रेडिशनल में, लाइक हाउ अर नाइस इंडियन गर्ल, इट्स नॉट लाइक अ देहाती गर्ल हु नोज नथिंग, जो मैं ऐसे चारा घुमा रही हूँ, इट्स नॉट मैन लाइक दैट काइंड ऑफ अ कैरेक्टर, इट्स लाइक अ नाइस स्वीट गर्ल, बट लाइक अ विलेज गर्ल. सो विलेज गर्ल की जो एक नॉर्मल सलवार सूट कॉटन होता है, समथिंग लाइक दैट. बट अगेन इट्स अ प्रिटी गर्ल, शी इज़ नाइस, शी इज प्रिटी, शी इज़ वाइब्रेंट. So that scene will talk for itself. Well, obviously film mein sabke favorite Akshay hai, so obviously they're going to come and see the film, and because of that they're also going to see my work and see something different, obviously, but not on that scale. But I would really, first of all, I really want to thank everybody who has supported me for this last 5 years, whether I have worked, I have not worked. I think it's today, you know, even to love your friend is so difficult, you know. So random people, if you love, I don't know how people love random people. It's, I support that. I hope that this film brings that message out more strongly, and people also start taking Swachh Bharat more seriously, even people in, you know, rural areas. And guys, please, it's releasing on 11th of August. Please see the film. And if you like my work, whatever, please do give me your reviews. And I think that's what an actor wants. So yeah, and keep loving me. I love you. I love you guys back. Love you.